हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो अपनी वीड मैनेजमेंट की क्लास है उसमें अपन देखेंगे मोड ऑफ एक्शंस ऑफ हर्बिसाइड्स, जो शाकनाशी अपन फसलों के अंतर्गत काम में लेते हैं उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। मोड ऑफ एक्शन का मतलब होता है वो किस रूप में जा करके प्लांट को क्यों किल करते हैं, कैसे किल करते हैं, उसमें क्या इफेक्ट डालते हैं जिससे जो खरपतवार का जो पौधा होता है वह मर जाता है। मोड ऑफ एक्शन इज द सम टोटल एनाटोमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल। एक केमिकल क्या करता है पौधे के ऊपर, या तो उसकी फिजियोलॉजी को प्रभावित करता है, या उसकी एनाटोमी को प्रभावित करता है, या उसके अंतर्गत जो बायोकेमिकल्स मटेरियल पाए जाते हैं उन पे इफेक्ट डालता है, जिससे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है, पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है, वृद्धि और विकास, वह क्या होता है, रुक जाता है। इसे क्या कहते हैं अपन, जो वृद्धि और विकास एक केमिकल के द्वारा पौधे का वृद्धि और विकास जब रुकता है तो इसे क्या कहेंगे अपन, मोड ऑफ एक्शन कहेंगे। हर्बिसाइड आफ्टर कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट रीचिंग द साइट्स ऑफ एक्शंस ब्रिंग अबाउट वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स। एक शाकनाशी होता है उसको अपन फसल के अंतर्गत काम में लेते हैं, जब वीड का प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या करता है, यदि अपन सोइल के अंतर्गत काम में ले रहे हैं तो यह है रूट के द्वारा अवशोषित होता है, या अपन स्प्रे के रूप में काम में ले रहे हैं, फोलियर एप्लीकेशन के रूप में दे रहे हैं, तो प्लांट का जो ऊपरी पार्ट होता है, वाइवी पार्ट होता है, वहाँ पर पत्तियों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जोर्ब कर लिया जाता है इसको। यह जो शाकनाशी होता है जिस स्थान पर एब्जोर्ब किया जाता है वहाँ पर इसका प्रभाव नहीं होता है, उससे कहीं दूर जाके इसका दूसरे सिस्टम में क्या करता है, ये प्रभावित कर देता है उसकी बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल के एक्टिविटीज को। जहाँ पे अपन इसको प्रयोग में कर ले हैं वहाँ से ट्रांसलोकेटेड हो जाता है, और कहाँ तक पहुँच जाता है, साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन, जिस स्थान पर इसकी मुख्य क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, साइट ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो यह कहाँ चला जाता है, साइट ऑफ एक्शन पर चला जाता है, वहाँ पर जाकर के ये फिजियोलॉजी और बायोकेमिकल जो एक्टिविटी होती है प्लांट की उसको प्रभावित करता है और इनको डिस्टर्ब कर देता है, रोक देता है, जिससे पौधा मर जाता है। हर्बिसाइड कई प्रकार की फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रभावित कर सकता है, जैसे क्लोरोसिस। नंबर फर्स्ट अपन बात करें तो शाकनाशी अपन क्षेत्र के अंतर्गत काम में लेते हैं, उसके बाद में वो क्या करता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वीड के, या कुछ जो प्लांट होते हैं वीड में से भी कुछ जो टारगेटेड प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोसिस उत्पन्न कर देता है, उनका जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, तोड़ देते हैं। दूसरा क्या कर देते हैं, डिफोलिएशन कर देते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है उनको रिमूव कर देते हैं, सटनिंग कर देते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है उसको कम कर देते हैं। ग्रोथ कम करने से जो खरपतवार का पौधा होता है वह कम बढ़ता है, और अपना फसल का जो पौधा होता है वह अधिक वृद्धि कर जाता है। इस कारण से क्या होता है, खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है, निक्रोसिस हो जाता है, उत्तक मर जाते हैं। पौधों के अंतर पाए जाने वाले उत्तक यदि मर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निक्रोसिस बोलते हैं। स्टेंड रिड्यूशन, संपूर्ण प्लांट मर जाता है, जिससे क्या होती है, प्लांट की जो पॉपुलेशन होती है वह कम हो जाती है। एपिनेस्टी, जो प्लांट का ऊपरी जो पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं, घुमावदार उत्पन्न कर देते हैं, घुमाव उत्पन्न कर देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इस पार्ट को फिर एपिनेस्टी बोलते हैं। ऊपर से क्या करते हैं, झुका देते हैं, प्लांट का जो ऊपरी पार्ट होते हैं उसको झुका देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एपिनेस्टी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एबेरेशंस, जो प्लांट के जो आकारिकी गुण होते हैं उनमें परिवर्तन कर देते हैं। ग्रोथ स्टिमुलेशंस, ग्रोथ को कम कर देते हैं। कपलिंग ऑफ लीव्स, जो पत्तियाँ होती है खरपतवारों की उनको प्याले नुमा बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, प्याले नुमा बना देते हैं, जिससे क्या करती है, ये प्रॉपर वे के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है और
प्लांट की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। मार्जिनल लीफ बर्न, जो पौधे की जो मार्जिनल पत्तियां होती है जो फोटोसिंथेसिस करती है उनको क्या करते हैं, जला देते हैं। एंड डिले इमर्जेंस, यदि अपन प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत जिस समय वीड जर्मिनेट होते हैं उस समय सोयल एप्लीकेंट हर्बिसाइड काम में लेते हैं तो कुछ खरपतवारों के अंतर्गत वो क्या करते हैं, इमर्जेंस होने को रोक देते हैं, उनका जर्मिनेशन रोक देते हैं, भूमि की सतह से बाहर नहीं आने देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डिले इमर्जेंस। खरपतवार क्या करते हैं, फसल के पौधे से यदि अपन शाकनाशी प्रयोग कर रहे हैं तो फसल के पौधे से 5-7 दिन क्या करते हैं, लेट इमर्जेंस होते हैं, तब तक अपना फसल का पौधा वृद्धि कर चुका होता है। तो लेट इमर्जेंस जो होता है वह उत्पन्न कर देते हैं एंड जर्मिनेशन फेलियर, एंड जो जर्मिनेशन होता है खरपतवारों का उसको पूर्ण रूप से फेल कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, पूर्ण रूप से रोक देते हैं या फेल कर देते हैं। इट मीन्स सीड को किल कर देते हैं। इट मीन्स जर्मिनेशन फेलियर का मतलब, जर्मिनेशन फेलियर का मतलब है कि सीड को किल कर देते हैं, उसका एम्ब्रियो वाला जो पार्ट है उसको किल कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द हर्बिसाइड अफेक्ट एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोसेस, इनमें से कोई भी एक प्रोसेस के द्वारा हर्बिसाइड रोक सकता है। इफ हर्बिसाइड इज अप्लाइड एट जर्मिनेशन स्टेज हाइड्रोलिक एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज, इट विल नॉट जर्मिनेट। यदि अपन जर्मिनेशन स्टेज के अंतर्गत अंकुरण अवस्था के अंतर्गत शाकनाशियों का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक, मेनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं प्लांट के अंतर्गत बनते हैं उस समय, तो ये क्या करते हैं, इन जो जर्मिनेशन इनहेबिटर जर्मिनेशन को बढ़ाते हैं, उनकी जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उनको क्या करते हैं, कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, जिससे इनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। ट्राइजेंस, यूरिएज एंड बाईपायरिलियम बिसाइड्स सम अदर एक्ट लार्जली बाय डिसऑर्गेनाइज फोटोसिंथेटिक अपार्टिस। कुछ जो हर्बिसाइड्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत जो काम में आने वाला पिगमेंट होता है प्रणहरित, उस पिगमेंट को क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, जिससे प्रॉपर वे के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। जैसे इसमें काम में आने वाले ये जो शाकनाशी है वह है ट्राइजेंस, यूरिएज एंड बाई पायरिडियम्स जो ग्रुप्स हैं उनके शाकनाशी। सम इफेक्ट्स रेस्पायरेशंस पर्टिकुलरली इन इट्स स्टेज थर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, डाइनाइट्रोफिनोल्स डिस्टर्ब द नॉर्मल कोर्स ऑफ रेस्पायरेशंस। कुछ जो शाकनाशी होते हैं वह है रेस्पायरेशन की जो क्रिया होती है उसको कम कर देते हैं, जैसे नाइट्रोफिनोल्स जो शाकनाशी है वह रेस्पायरेशन को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, कम कर देता है। बायोसिंथेसिस रिएक्शन लाइक प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस आर इनहिबिटेड बाई क्लोरो एसिटामाइड एंड इंडोथायोएमिट्रोल। प्रोटीन और लिपिड्स का जो बायोसिंथेसिस होता है प्लांट के अंतर्गत उसको रोक देते हैं। प्रोटीन और बायो लिपिड्स का जो सिंथेसिस रुकने के कारण प्लांट का जो न्यू पार्ट होता है, नए जो टिश्यूज होता है उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और अल्टीमेटली प्लांट को किल कर देते हैं। वन अनादर कॉमन मोड ऑफ एक्शन इज सम हर्बिसाइड टू इंटरफेयर विथ माइटोसिस। कुछ जो शाकनाशी होते हैं वह सेल डिवीजन को क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। सेल डिवीजन को प्रभावित करने से प्लांट की जो ग्रोथ होती है वह रुक जाती है। दीज मेजर मोड ऑफ एक्शंस आर एज फॉलो। मेजर मोड ऑफ एक्शंस है शाकनाशियों के द्वारा वो निम्न प्रकार के हैं। पहला है ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स के अंतर्गत वे रसायन आते हैं जो पौधे की ग्रोथ को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। द ग्रोथ रेगुलेटर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग हर्बिसाइड फैमिलीज फिनोक्सी एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिडिक एसिड एंड द पायरिडाइन्स। ये जो शाकनाशी होते हैं यह ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, ग्रोथ को रेगुलेट कर देते हैं, या तो ग्रोथ को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं।
लेकिन जो फिनोक्सिक एसिडिक एसिड होता है मोस्टली ग्रोथ को एक्स्ट्रा कर देता है, जिससे क्या होता है प्लांट पूर्ण रूप से स्टैंड नहीं कर पाता है। ग्रोथ रेगुलेटर हर्बिसाइड कैन एक्ट इन मल्टीपल साइट इन ए प्लांट टू डिस्टर्ब हार्मोन बैलेंस एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड दे हर बाई काजेज द वेराइटी ऑफ प्लांट ग्रोथ अबनॉर्मलिटीज। जो ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले होते हैं वह हार्मोन बैलेंस को इम्बैलेंस कर देते हैं। जो प्लांट के अंतर्गत हार्मोन पाया जाता है उसको क्या करते हैं इम्बैलेंस कर देते हैं, उनका असंतुलन कर देते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है प्लांट के अंतर्गत उसको प्रभावित करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाने के कारण या एमिनो एसिड का अधिक उत्पादन हो जाने के कारण प्लांट की जो ग्रोथ होती है वह ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। ग्रोथ रेगुलेटर हर्बिसाइड्स सेलेक्टिव किल ब्रॉड लीफ वीड। जो ग्रोथ रेगुलेटर हर्बिसाइड्स होते हैं वह चौड़ी पत्ती वाले शाकनाश खरपतवारों को मारते हैं। हाउएवर दे आर कैपेबल ऑफ इंजूरिंग ग्रास क्रॉप्स। हर्बिसाइड इन दिस ग्रुप्स कैन मूव इन बोथ जाइलम एंड फ्लोएम टू एरियाज ऑफ न्यू प्लांट ग्रोथ। ये जो शाकनाशी होते हैं ग्रोथ रेगुलेटर वाले, ये जाइलम एंड फ्लोएम दोनों पार्ट के अंतर्गत प्लांट में क्या करते हैं गति करते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों में गति करते हैं। एज ए रिजल्ट मेनी हर्बिसाइड इन दिस ग्रुप आर इफेक्टिव ऑन पेरेनियल एंड एनुअल ब्रॉडलीफ वीड्स। इस प्रकार के जो शाकनाशी होते हैं वह बहुवर्षीय और एक वर्षीय जो खरपतवार होते हैं उन पर प्रभावी होते हैं। हर्बिसाइड अपटेक प्राइमरली थ्रू द फोलियज बट रूट अपटेक इज पॉसिबल। जो ग्रोथ रेगुलेटर वाले हर्बिसाइड्स होते हैं वह मोस्टली प्लांट का जो फोलियज पार्ट होता है पत्तियों के द्वारा अवशोषण किया जाता है, लेकिन कुछ जो पार्ट होता है उनका वह रूट के द्वारा भी अवशोषित हो सकता है। इंजरी सिम्टम्स आर मोस्ट ओबिशियस ऑन न्यूली डेवलप्ड लीव। और इनका जो इंजरी जो सिम्टम्स होता है इनकी जो नुकसान पहुंचाने की अवस्था होती है वह किस पे जो न्यू लीव डेवलप होती है उनको सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे फिनोक्सिक एसिडिक एसिड 2,4-D MCPA 2,4-DB एंड बेंजोइक एसिड वाले जो शाकनाशी है वह प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। आगे है फोटोसिंथेसिस। कुछ शाकनाशी ऐसे होते हैं जो प्लांट के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस होता है उसको क्या करते हैं रोक देते हैं, जिससे प्लांट के अंतर्गत फूड की कमी हो जाती है और फूड की कमी होने के कारण अल्टीमेट प्लांट को मरना पड़ता है। फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर शट डाउन द फोटोसिंथेसिस फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन ससेप्टेबल प्लांट। जो ससेप्टेबल प्लांट होता है उनके अंतर्गत ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया को रोक देते हैं बाई बाइंडिंग ए स्पेसिफिक साइट विथ इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करते हैं प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके साथ क्रिया करते हैं। फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर जो शाकनाशी होते हैं वह प्लांट के क्लोरोप्लास्ट से क्रिया करते हैं। क्लोरोप्लास्ट से क्रिया करके क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया को रोक देते हैं। इनहिबिटेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कुड रिजल्ट इन स्लो स्टारवेशंस ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस रुक जाने के कारण पौधा जो होता है उसमें भोजन की कमी हो जाती है और अल्टीमेटली भोजन की कमी होने के कारण धीरे धीरे पौधा मरने लगता है फोटोसिंथेसिक इनहिबिटर में भी कंट्रोल एनुअल एंड पेरेनियल ग्रास एंड ब्रॉड लीफ वीड। ये जो तीनों कैटेगरी के जो खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, एनुअल को भी पेरेनियल को भी और ब्रॉड लीफ वीड को भी। इसमें मोबाइल हर्बिसाइड्स जो होते हैं चलिए खरपतवार वह है एट्राजीन मेट्रीब्यूजीन ल्यूरोन एंड ट्रिब्यूसिल। नॉन मोबाइल हर्बिसाइड लाइक बेंटा जोन एंड ब्रोमो जाइलिन जो शाकनाशी होते हैं वह इसमें आते हैं। एमिनो एसिड इनहिबिटर कुछ जो शाकनाशी होते हैं वह एमिनो एसिड का क्या करते हैं प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। प्लांट के अंतर्गत एमिनो एसिड की कमी हो जाने से प्रोटीन की कमी हो जाती है और अल्टीमेटली प्लांट को मरना होता है। द एमिनो एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर आर कंपाउंड दैट इनहिबिट स्पेसिफिक प्लांट एंजाइम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड विच ऑफ द
विच आर द ब्लीडिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल प्रोटीन। प्लांट का जो पार्ट होता है एमिनो एसिड होता है, सॉरी जो प्रोटीन होती है प्लांट में वह किससे मिलकर बनी होती है? एमिनो एसिड से। देयर आर 20 एमिनो एसिड एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ के लिए 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। इनसाइड द प्लांट एमिनो एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर आर रेडिली ट्रांसलोकेटेड टू एरिया हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सबसे ज़्यादा एमिनो एसिड का जो ट्रांसलोकेटेड होता है या आवश्यकता जो पड़ती है वह मेरिस्टेम टिश्यूज, जो न्यू डेवलप जो टिश्यू होते हैं वहाँ पर होती है। देहर दे बाइंड विथ द एंजाइम एंड रिजल्टिंग डिफिशेंसी ऑफ क्रिटिकल एमिनो एसिड्स। ये जो शाकनाशी होते हैं वह एमिनो एसिडों के साथ क्रिया करते हैं और जो एंजाइम होता है स्पेसिफिक उसकी क्या करते हैं, डिफिशियंसी कर देते हैं। टर्न ए ग्रेजुअल डिप्लेशन ऑफ प्रोटीन, जिससे क्या होता है प्रोटीन का जो डिप्लेशन हो जाता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। एंड फॉर विटल नॉर्मल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो एक पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। जैसे इसमें आने वाले जो शाकनाशी हैं वह है ग्लाइफोसेट, सल्फ्यू नाइल यूरिएज, सल्फोनाइल यूरिएज एंड क्लोरोम्यूरोन, इमेजा थ्रपायर, ईटीसी जो शाकनाशी है वह इस कैटेगरी में आते हैं। लिपिड सिंथेसिस इनहिबिटर, लिपिड का जो सिंथेसिस है उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं शाकनाशी। दीज हर्बिसाइड प्रिवेंट द फॉर्मेशंस ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिडों के निर्माण को बंद कर देते हैं। कंपोनेंट असेंशियल फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ प्रोटीन लिपिड, जो फैटी एसिड होते हैं वह किसका होता है, प्रोडक्शन करता है फैटी एसिड, लिपिड्स का संश्लेषण करते हैं। फैटी एसिड लिपिड का संश्लेषण करते हैं और ये लिपिड वाले जो फैटी एसिड है उनको उनके साथ क्रिया कर लेते हैं। लिपिड आर बीटल टू इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड न्यू प्लांट ग्रोथ। सेल मेम्ब्रेन और न्यू जो प्लांट के जो नए वाले जो टिश्यू है उनके डेवलप के लिए लिपिड्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ब्रॉड लीफ प्लांट आर टॉलरेंट टू दीज हर्बिसाइड फैमिली। लिपिड सिंथेसिस इनहिबिटर करने वाले जो शाकनाशी हैं उनके लिए चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं वह रेसिस्टेंट पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल पेरेनियल एंड एनुअल ग्रासेज आर ससेप्टेबल, लेकिन इसके लिए सभी प्रकार के जो एनुअल एंड पेरेनियल जो ग्रासेस हैं मोस्टली वह ससेप्टेबल होते हैं, सुग्राही होते हैं। इंजुरी सिम्टम्स आर स्लो टू डेवलप इन 17 to 14 days। ये जो शाकनाशी अपन प्रयोग में करते हैं तो इनका जो क्षति का प्रभाव है वह 7 to 14 दिन के अंतर्गत अपने को दिखाई देता है, लगभग 1 to 2 weeks के लिए। एंड एपियर पस्ट ऑन न्यू लीव्स, सबसे पहले कहाँ पर दिखता है इनका प्रभाव, न्यू लीव जो नई पत्तियाँ होती है प्लांट की वह प्रभावित होती है इससे। इमर्जिंग फ्रॉम द होरल ऑफ द ग्रास प्लांट दीज हर्बिसाइड आर टेकन अप बाय द फोलिएज एंड मूव इन द फ्लोएम टू एरियाज ऑफ न्यू ग्रोथ। ये फोलिएज के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और फ्लोएम के द्वारा प्लांट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं, फ्लोएम के द्वारा गति करते हैं। इसमें जो शाकनाशी आता है वह है सेथोजाइडीम, क्यूजिलोफोप, डाइक्लोफोप, ये जो शाकनाशी है वह इस कैटेगरी में आते हैं। अगला है सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिटर, जो पौधे की सीडलिंग अवस्था होती है, जर्मिनेशन तो उनका होता है लेकिन सीडलिंग अवस्था होती है वहाँ पे आते ही प्लांट को क्या करते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिटर शाकनाशी कहलाएंगे, जो अपन जिनका अपन प्री प्लांट इमरजेंस के रूप में प्रयोग करते हैं पीपीआई के बाद में, और प्री प्लांट सॉरी जो अंकुरण के प्लांट का जो अंकुरण होता है उसके जस्ट बाद में, और जो इमरजेंस अवस्था होती है उससे पहले जो अपन शाकनाशियों का प्रयोग करते हैं वह मोस्टली इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिटर।
द सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिटर इंटरफेयर विथ न्यू प्लांट ग्रोथ, जो नई प्लांट ग्रोथ होती है अर्ली स्टेज के अंतर्गत उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। देहर बाय रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ सीडलिंग टू डेवलप नॉर्मली इन सोयल, सोयल के अंतर्गत नॉर्मल सीडलिंग डेवलपमेंट के अंतर्गत ये प्रभाव डालते हैं। हर्बिसाइड्स इन दीज फैमिलीज मस्ट बी सोयल अप्लाइड, इसके अंतर्गत आने वाले मोस्टली जो शाकनाशी होते हैं वह सोयल अप्लाइड हर्बिसाइड होते हैं। इस कैटेगरी में आने वाले मोस्टली जो शाकनाशी होते हैं वह मर्दाशय क्रिया करने वाले या सोयल अप्लाइड हर्बिसाइड होते हैं। प्लांट कैन टेक अप दीज हर्बिसाइड आफ्टर जर्मिनेशन, इन जो शाकनाशी है उनका प्लांट जर्मिनेशन के बाद की अवस्था में अवशोषण करता है, जर्मिनेशन के बाद में इनका अवशोषण करता है अनटिल सीडलिंग इमर्जेंस फ्रॉम द सोयल। देयरफॉर दीज हर्बिसाइड आर ओनली इफेक्टिव ऑन सीडलिंग एनुअल और पेरेनियल वीड्स, ये जो शाकनाशी होते हैं वह एनुअल और पेरेनियल दोनों प्रकार के जो वीड होते हैं उन पे प्रभावी होते हैं। एक वर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवारों पर प्रभावी होते हैं। सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिटर्स आर एक्टिव इन टू साइड्स, मैन टू साइड डेवलपमेंट ऑफ सूट एंड रूट, जो सीडलिंग ग्रोथ को इनहिबिटर करते हैं वह रूट भी प्रभावित होती है उनसे और प्लांट का जो सूट होता है वह भी प्रभावित होता है, क्योंकि ये जो होता है अर्ली स्टेज में उपयोग में लिया जाता है उस समय प्लांट जिस समय भूमि से बाहर नहीं निकल रहा होता है, उस अवस्था में इनका तना भी क्या होता है मर्दा में होता है और रूट भी क्या होती है मर्दा में होती है। तो ये क्या करते हैं, दोनों को प्रभावित करते हैं, रूट और सूट दोनों को प्रभावित करते हैं। रूट इनहिबिटर्स वाले हैं डाइनाइट्रो एनिलिन्स पेंडीमेथालिन एंड ट्राइफ्लोरिलिन, सूट इनहिबिटर वाले हैं एलाक्लोर एसिटा एलाक्लोर मेटा एलाक्लोर हर्बिसाइड्स, इस कैटेगरी में आते हैं। आगे बात करते हैं पिगमेंट इनहिबिटर्स, फोटोसिंथेसिस का जो पिगमेंट होता है उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। पिगमेंट इनहिबिटर परवेंट प्लांट फ्रॉम द फॉर्मिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट का फॉर्मेशन जो होता है उसको रोक देते हैं ये। एज ए रिजल्ट द अफेक्टेड प्लांट पार्ट बिकम वाइट, ये क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस का जो पार्टस होता है उसका फॉर्मेशन को रोक देते हैं, इससे प्लांट का जो पार्ट होता है वह वाइट दिखाई देता है, सफेद कलर का दिखाई देता है। इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है क्लोलो मेजोन एंड नॉर्फ्यू रेजो, जो शाकनाशी होते हैं वह आते हैं। सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब सर, प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कई प्रकार के ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं उन सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती है उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाले जो सिस्टम होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे प्लांट सेल का जो फंक्शन होता है वह कार्य नहीं कर पाता है, प्लांट सेल पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती है और प्लांट अल्टीमेट मर जाता है। All plant membranes even though involved in the different cellular functions, सभी प्लांट की जो membranes होती है सेल के अंतर्गत पाए जाने वाले जो organs होते हैं उनका कुछ न कुछ function होता है। They have remarkably similar structure, membrane are involved in every process, सेल के अंतर्गत कोई भी process होती है वह किसी न किसी और जो अंग होता है उसके द्वारा होती है। इन्वॉल्व इन एनी प्रोसेस अकर इन सेल बायोलॉजी द सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब्स इंक्लूड इन डाई फिनाइल एंड बाईपायरिलियम हर्बिसाइड्स फैमिलीज, सेम मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करने वाले शाकनाशियों की फैमिली है डाई फिनाइल ईथर एंड बाईपायरिलियम, दीज हर्बिसाइड आर पोस्ट इमरजेंस कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, ये जो शाकनाशी होते हैं वह नेचर में होते हैं पोस्ट इमरजेंस, इनका उपयोग फसल की इमरजेंस स्टेज के बाद में 30 से 35 दिन बाद में अपन करते हैं, एंड ये कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होते हैं।
दैट आर एक्टिवेटेड बाई एक्सपोजर्स ऑफ सनलाइट। इनको एक्टिव होने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। एक तो ये क्या होते हैं, पोस्ट इमरजेंस होते हैं, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होते हैं। इनको एक्टिवेट होने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। यदि सनलाइट नहीं है तो इनका एक्टिवेशन नहीं होता है। पौधे के किल करने का जो गुण होता है वह इनमें नहीं होता है यदि सनलाइट नहीं है तो। सनलाइट टू फॉर्म ऑक्सीजन कंपाउंड्स, सनलाइट की उपस्थिति में ये ऑक्सीजन कंपाउंड का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन पराऑक्साइड। हाइड्रोजन पराऑक्साइड जो सेल के अंतर्गत यदि इसका निर्माण होता है तो ये सेल को किल कर देता है। ऑक्सीजन कंपाउंड सच एज हाइड्रोजन पराऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं H2O2 का। इससे क्या करता है, सेल में टॉक्सिन उत्पन्न होता है, विषाक्त उत्पन्न होता है और सेल किल हो जाती है, मर जाती है। दीज ऑक्सीजन कंपाउंड डिस्टोरेज प्लांट टिश्यू, रैप्चर प्लांट सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको रैप्चर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिजल्ट इन रैपिड ब्राउनिंग, निक्रोसिस। सेल मेम्ब्रेन के टूट जाने के कारण प्लांट के अंतर्गत भूरापन दिखाई देता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, निक्रोसिस बोलते हैं। उत्तक से ऑफ प्लांट टिश्यूज, ऑन ए ब्राइट एंड सनी डे, यदि सूर्य का प्रकाश अच्छा मिल रहा है तो उसमें क्या करते हैं, हर्बिसाइड इंजुरीज सिम्टम्स कैन बी अकर इन 1 to 2 hours। उस कंडीशन के अंतर्गत यदि सूर्य का प्रकाश अच्छा आ रहा है तो उस कंडीशन में 1 to 2 hours के अंतर्गत, प्लांट के अंतर्गत इसकी क्षति के नुकसान अपने को दिखने लगते हैं, जैसे पेराक्वाट एंड डाई फेंजोक्यूट। ओके थैंक यू। ये था अपना मोड ऑफ एक्शन कि शाकनाशी किस प्रकार से प्लांट को किल कर देते हैं।